Hello, hello everybody, welcome back to my YouTube channel and welcome back to another video. So, आज की वीडियो में मैं क्विक मेकअप करने वाली हूँ. क्विक मेकअप से मेरा मतलब है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको अर्जेंटली कहीं बाहर जाना है एंड यू डोंट हैव अ टाइम कि आप फुल फ्लेज्ड मेकअप कर पाओ. सो उस केस में ऐसे क्विक मेकअप कैसे करना है और ऑब्वियसली विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज ऑन योर लुक. सो वो आज मैं करने वाली हूँ. सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो सबसे पहले मैं यूज़ करने वाली हूँ मॉइस्चराइजर. मॉइस्चराइजर के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ आईफन्स का ये बैरियर क्रीम जो मेरे को काफ़ी सूट करता है. सो सबसे पहले इसके आई थिंक दो तीन पम्प्स लेके विल स्टार्ट. एकदम अच्छे से मॉइस्चराइज करना है अपने फेस को एंड डोंट फॉरगेट द नेक ऑब्वियसली. ओके, फॉर द नेक्स्ट स्टेप आई एम गोइंग टू बी यूजिंग डॉट एंड की सनस्क्रीन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बाहर जाना है एंड सनस्क्रीन इज़ अ लाइफ सेवर फॉर यू. सो मैं जो यूजुअली यूज़ करती हूँ थ्री फिंगर वाला जो ट्रेंड है और टिप है वो मैं यूज़ करती हूँ. दिस इज़ वेरी हेल्पफुल. इससे पता चलता है कि आप कम नहीं लगा रहे ना ज़्यादा लगा रहे हो. दैट्स अ एडिक्वेट अमाउंट. ओके, सो आई हैव प्रेप्ड अप माई स्किन. मॉइस्चराइजर हो गया है, सनस्क्रीन हो गया है. इसके बाद आई एम नॉट गोना कलर करेक्ट माई पिगमेंटेशन कुछ भी बिकॉज वी डोंट हैव अ टाइम. रिमेंबर टाइम क्रंच. सो मैं बस कंसील करूँगी. आई एम नॉट गोना यूज़ एनी फाउंडेशन, जस्ट कंसीलर. मैं लॉरियल का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ एंड जस्ट लिटिल बिट क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है एंड जस्ट स्पॉट्स में जहाँ जहाँ मेरे को लग रहा है कि मेरे को थोड़ा नीड है. राइट, आई एम जस्ट गोना करेक्ट माई स्पॉट्स. दैट्स इट, जस्ट दैट्स इट. एंड आई एम गोना ब्लेंड इट विद माई ब्रश. मेक श्योर इवनली लगाना है. नॉट आप कभी कभी ऐसे होते हैं कि आपके जस्ट थोड़े बहुत पिंपल्स हैं, जैसे आपने मावा लगा लिया, आपने यू नो चिन छोड़ दिया, फोरहेड छोड़ दिया, तो फिर वो कलर अलग से पता चलेगा. सो थोड़ा थोड़ा फेस के हर पार्ट में लगाना है सो दैट पूरा अच्छे से ब्लेंड हो और एक जैसा दिखे. ओके, सो जब तक मेरा कंसीलर थोड़ा सेट हो रहा है आई एम गोना डू माई ब्राउज. उसके लिए आई एम यूजिंग दिस मेबलिन स्टैटू ब्रो जेल. शेड है इसका डीप ब्राउन. इसमें थोड़ा इसके बॉन्ड में काफ़ी एक्सेस लगा होता है तो इसको थोड़ा सा रिमूव करके एंड देन आई एम गोना जस्ट अप्लाई इट बहुत लाइट हैंड से बिकॉज बहुत ज़्यादा लग जाता नहीं तो ये है. राइट, ओके, मूविंग ऑन टू आर नेक्स्ट स्टेप. आई एम गोना डू माई कॉन्टोरिंग. ओके, सो फॉर कॉन्टोर आई एम यूजिंग दिस 3-in-1 शुगर पैलेट जिसकी मैंने बहुत बुरी हालत कर दी है और ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया मेरा कॉन्टोर. बट एनी वे रिमेंबर वी डोंट हैव टाइम. तो जल्दी से मैं कॉन्टोरिंग कर लूंगी जस्ट मेरे हाई एंड्स पे, चीक के हाई एंड पे, जस्ट दैट्स इट. ओके, सो मेरी साइड की कॉन्टोरिंग हो चुकी है. नाउ लेट्स डू दिस साइड. हाई एंड्स पे लगाना है. मैं पूरा यहां तक नहीं लेकर आती हूँ बिकॉज वो बहुत वियर्ड लगता है. फिर जस्ट चीक के हाई एंड्स पे अपने एंड थोड़ा सा फोरहेड पे जस्ट टू गिव इट अ शैडो एंड थोड़ा सा नोज ताकि नोज थोड़ी अच्छी दिखे, लाइक शार्प दिखे नोज के. जस्ट इस ब्रश को मैं बेसिकली मेरा ऐसे ब्रश को मैं ऐसे फ्लैट कर लेती हूँ सो दैट मेरी पूरी नोज पे कॉन्टोर ना हो, जस्ट नोज को शार्प करने के लिए. राइट, एंड लिटिल बिट हियर सो दैट मेरी डबल चिन ना दिखे. हालांकि दिखी कि तब भी डबल चिन को कोई छुपा नहीं सकता. आप जितना मर्जी कॉन्टोर कर लो बट जस्ट टू एक फाइन लुक देने के लिए.
Okay, so I'm done with my contouring and after that I'm gonna do my blush. Blush के लिए मैं use कर रही हूँ Swiss Beauty का ये baked blusher and highlighter palette. Just और इसका मैं use करने वाली हूँ ये वाला pink shade और इस ये वाला highlighter के लिए. So ऊपर से लेते हैं हम थोड़ा सा, ये थोड़ा सा shimmer है and I love this. ब्लश के लिए कोई टाइम क्रंच नहीं है. ब्लश अच्छे से जितना लगाना है. आई लव ब्लश, एक्चुअली मेरे को बहुत पसंद है ब्लश. सो या इट लुक्स क्यूट. ओके सो फॉर द नेक्स्ट स्टेप आई एम गोना डू माय आईज एंड ऑब्वियसली हमारे पास बहुत टाइम नहीं है कि हम फुल फ्लेज आईज बना पाएं. सो उसके लिए आई एम गोना बी यूजिंग दिस रेवोल्यूशन मेकअप पैलेट और इसमें से जो बेसिक न्यूड शेड है वो मैं उठा रही हूँ. I'm gonna be using this J Adore, this nude shade. और पूरे आईज पे इसको I'm using only one color, right? Because मेरे पास ऐसे टाइम नहीं है कि दो तीन शेड मिक्स करके. फिलहाल मैं अभी एक ही लगा रही हूँ. एक और कलर मैं इसमें थोड़ा सा मिक्स करूंगी, थोड़ा सा इसे आउटर लाइंस में शेड देने के लिए. आई एम गोना बी यूजिंग दिस इन्फैटुएशन कलर, दैट्स डार्क, थोड़ा डार्क शेड में ये. एंड इसको मैं अपने आईज के आउटर पार्ट पे यूज करूंगी. ओके आई लाइनर के लिए आई एम यूजिंग दिस फेसेस कैनेडा का आई लाइनर. आई लाइनर लगाना एक टास्क है. एक जैसा लग गया अगर एक दिन दैट मीन्स यू आर लकी, वरना दोनों आंखों का अलग अलग लगता है. वेट, इससे बहुत मुश्किल होगा. रुको, आई नीड अ क्लोज मिरर फॉर दिस. ओके सो आई एम डन विद माई आई लाइनर. थैंकफुली सही लग गया है दोनों आईज में. एंड फॉर द नेक्स्ट स्टेप अब हमारा कॉन्टोर ब्लश जो मेरा कंसीलर था वो अच्छे से सेट हो गया है. सो एंड में मैं यूज करती हूँ लॉक करने के लिए कॉम्पैक्ट पाउडर. फेसेस कैनेडा का मैं कॉम्पैक्ट पाउडर यूज करने वाली हूँ इन अ शेड नेचुरल टू. सो बेसिकली पूरा लॉक करने के, लूज पाउडर भी यूज कर सकते हैं बट लूज पाउडर बहुत ड्राई कर हो जाता है मेरे स्किन को, तो इसलिए मैं कॉम्पैक्ट लगाती हूँ विद अ ब्रश और इसको लॉक कर दूंगी लाइट हैंड से, जस्ट लाइट हैंड से पूरे फेस में. वो एक पूरा मैट फिनिश दे देता है कॉम्पैक्ट. इसको मैं इसलिए पहले नहीं लगाती, मतलब ताकि पूरा मेरा जो ब्लश है कॉन्टोर है वो लॉक हो जाए और जो भी जितना स्वेट है वो भी सारा चला जाए और स्वेट कंट्रोल भी हो, राइट. सो एंड डोंट फॉरगेट द नेक. ओके आफ्टर माय कॉम्पैक्ट आई एम यूजिंग दिस हाइलाइटर जो कि ये शुगर पैलेट का हाइलाइटर था और मैं हैंड्स यूज करने वाली हूँ इसके लिए. For the next step, quickly, I am using this mascara, Maybelline New York का Sky High Mascara. इसको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद, वॉन्ड से एक्स्ट्रा निकालने के बाद हम लगाएंगे, यूज़ करेंगे अपने लैशेस पे. सेम इस साइड. And you are free to make weird faces because mascara is important. Or it's okay agar weird face ban rahe hain mascara lagate hue to. Okay. Quickly uske baad I don't use kajal kyunki meri eyes fair choti si ho jati hain. So I use mascara only jisse ki ek shape mil jati hai mere ek eyeliner ko. Oh sorry. Eyes ko. Done.
ओके सो फॉर द लास्ट स्टेप बट वेरी इंपॉर्टेंट लिप्स, उसके लिए मैं यूज करने वाली हूँ विश केयर के लिप बाम विच हैज 50 SPF और इसमें थोड़ा सा रेड टिंट भी है. सो हालांकि ये ऐसी लिप बाम है जो ऑलरेडी कलर देती है, सो मेरे को कभी कभी ऐसा होता है कि अगर मेरे को अर्जेंटली कहीं जाना है तो मैं इसके ऊपर कोई लिपस्टिक नहीं यूज करती, बट थोड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है सो उसके लिए मैं यूज करूंगी मैट लिपस्टिक स्विस ब्यूटी की इन अ शेड रियल न्यूट. मैं काफ़ी ख़त्म कर चुकी हूँ ये एज यू कैन सी एंड आई जस्ट लव दिस शेड. मैं लिप लाइनर यूज़ करती हूँ बट अभी टाइम नहीं है क्योंकि लिप लाइनर से पूरा बनाओ उसके बाद फिर लगाओ. आई थिंक दिस लुक्स प्रिटी. Guys, I am done with my quick makeup routine and I've completed my look with these cute little earrings which I love. And if you think ki maine kuch important step miss kiya hai is quick makeup routine mein, so just do let me know in the comment section. And if you like this video, don't forget to like, share and subscribe. Bye bye.